हाँ जी, आप जाके बिटली लिंक पे चेक करो, bit.ly/sophia मैम, उस पर आपको बेटा क्वेश्चंस मिलेंगे। नहीं मिलता है तो मुझे बताना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कक्षा, लेक्चर नंबर 16, साइक्लोट्रॉन। वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। सो इंट्रोडक्शन में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसी मशीन है जिससे हम एक चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड पे लेके जा सकते हैं। हाई स्पीड का मतलब क्या है? उसका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत हाई हो गया। स्पीड हाई मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½mv². स्पीड बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। सो यू कैन ऑल्सो से इट इन अदर लैंग्वेज की भाई एक चार्ज पार्टिकल या एक आयन को हाई एनर्जी पर लेके जाना या फिर उसको हाई स्पीड पे लेके जाने के लिए इस मशीन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके कुछ यूजेस मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, जो सबसे पहला जो यूज है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत तरीके के होते हैं। न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, रेडियो एक्टिव जो डिके होते हैं वो भी आपके पास एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियस तक पहुंचना है। अब न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए क्या होता है कि आपके रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, जिनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, सो दे आर बैलेंस अमाउ, और उनके बीच से गुजरते हुए आपको पहुंचना है न्यूक्लियस तक। ठीक है, तो उसके लिए एक हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए। तो वहां साइक्लोट्रॉन आपकी हेल्प करता है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। वहां तक पहुंचा देगा वो पार्टिकल को, और फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियस जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा है या फ्यूज हो रहा है, या आपके पास एक जो थर्ड पार्ट है इसका यूज टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके कब होता है? जब आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, तो वो क्या करता है, स्टेबल होना चाहता है, तो अपने न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ पार्टिकल वो जो है रिमूव करता है। सपोज उसने न्यूट्रॉन निकाल दिया, या उसने आपके पास इलेक्ट्रॉन निकाल, इलेक्ट्रॉन तो खैर न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूट्रॉन निकाल दिया या प्रोटोन निकाल दिया, कॉम्बिनेशन निकाल दिया। सो क्या होता है, वो अब स्टेबल होना चाहता है। एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, उससे एक डॉटर न्यूक्लियाई बनता है जो कि स्टेबल होता है और सम एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, वो होता है रेडियो एक्टिव डिके। एक स्टूडेंट कल पूछ रहा था, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से वहां डिकेज होते हैं, तो उनको स्टार्ट अगर करना है वहां पर आपके पास एक साइक्लोट्रॉन हेल्प कर सकता है। रेडियो एक्टिव डिकेज में एल्फा बीटा गामा रेज ये सब निकलती है। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे आपका जो टर्म टू है वहां पर। मॉडर्न फिजिक्स आपका एक पूरा पार्ट है, उसके अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें से एक टाइप है रेडियो एक्टिव डिके, यूज टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिकेज, एंड सेकेंड क्या है, टू इंसर्ट एन आयन इन ए सॉलिड। किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी अगर आपको बदलनी है, मान लीजिए कोई चीज कंडक्टिंग कम है, आपको उसका कंडक्शन बढ़ाना है, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स में भी हम पढ़ेंगे, डोपिंग वगैरह करनी पड़ती है हमको। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सॉलिड के अंदर किसी आयन को इंसर्ट करना, एक चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड से आप एंटर करा, तो जहां इंसर्ट करना है, जैसे इंसर्ट करना है वहां तक पहुंचाना है। तो ये कुछ यूजेस हैं जनरल। आपके मेडिकल साइंस में भी साइक्लोट्रॉन को काफी हेल्प जो लिया जाता है, जो थेरेपीज वगैरह होती है वहां पर यूज होता है। सो ये जनरल हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट कैसे करेंगे, हाउ टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू सच अ हाई स्पीड। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, दो तरह के हमने फील्ड्स पढ़े, वी हैव स्टडीड टू फील्ड्स। पहला फील्ड था, फास्ट तो नहीं जा रही मैं, फास्ट तो नहीं जा रही ना, ठीक चल रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लो आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल रखते हो, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में, दोनों ही केसेस में क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू में ई। अगर नेगेटिव चार्ज लेती तो क्या फोर्स लगता, क्यू ई लगता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता। ठीक है, सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाय में चेंज इन टाइम। अगर आपके पास फोर्स बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है ना। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बताओ, मैंने कल बताया था, नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड ओनली डायरेक्शन चेंज करता है चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, मान लो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रख दिया, तो उसका तो कोई भी डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, उस पर कोई असर नहीं आता। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जब होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तभी उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स
ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, नो चेंज इन स्पीड इज पॉसिबल विद मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड मुझे हेल्पफुल नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे हेल्पफुल लग रहा है. आगे चलते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्पफुल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्यों. यस बेटा. मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, एक बार रिपीट कर दो. कहां से छुटा आपका बताओ. मैम यहीं पर. यही बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्पफुल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव होता तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगाता. अगर किसी भी चीज पे आपने फोर्स लगाया, सपोज मेरे पास ये ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैंने इस पे कुछ काम किया, इसका क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होता है, ये मोशन में आ जाएगा ना, इसका एक्सेलरेशन होगा, मोशन में आएगा. सिमिलरली एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, वो मोशन में आ रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है. ठीक है. सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्पफुल है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बट मैग्नेटिक फील्ड मुझे अभी हेल्पफुल नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन बदल सकता है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है. ये बात सबको क्लियर है. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्पफुल था तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद ले लेते हैं. लेट्स सी हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल. वही हमने दो जो आपने प्लेट्स लिया, इनके बीच में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा क्यू इंटू में ई. अभी फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास. फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू इंटू में ई बाय में, एक्सेलरेशन निकल के आ गया. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पे आते हैं. हमको ये बात पता है कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रहेगा तब तक फोर्स लगेगा, ठीक है, तब तक उसका एक्सेलरेशन होगा, और जब तक एक्सेलरेशन हो रहा है तब तक स्पीड बढ़ेगा. ठीक है. सो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इन द फील्ड एज लॉन्ग एज इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स. जब तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा, उस पर लगेगा, तब तक ही तो वो एक्सेलरेट करेगा. यानी टू इंक्रीज स्पीड वी हैव टू कीप चार्ज पार्टिकल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन फील्ड. फील्ड के अंदर ज्यादा लंबे समय तक रखना पड़ेगा या ज्यादा डिस्टेंस आपको उस फील्ड के अंदर ट्रेवल करवाना पड़ेगा. मतलब क्या इस बात का, इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है. यानी कि अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना, ज्यादा समय के लिए आपको उसको फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा. अगर आपको v बढ़ाना, इससे देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, अगर आपको v बढ़ाना है तो आपको s बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फील्ड. एक ही बात है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा ज्यादा समय भी तो लेगा ज्यादा ट्रेवल करने के लिए. तो दोनों इक्वेशन से आप समझ सकते हो कि अगर आपको सर्टेन स्पीड चाहिए, मान लो बहुत हाई स्पीड चाहिए, तो मेरे को उसी हिसाब से मशीन डिजाइन करनी पड़ेगी कि मुझे चार्ज पार्टिकल को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो वेलोसिटी या स्पीड उसका तब तक बढ़ेगा जब तक वो फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से स्पीड आएगा. ठीक है. तो टू कीप द चार्ज पार्टिकल इन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन फील्ड, साइज ऑफ मशीन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. अब साइज ऑफ मशीन आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप इन प्लेट्स को ही तो दूर लेके जाओगे ना. अगर ड्यूरेशन बढ़ाना है, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करवाना है चार्ज पार्टिकल को, आप इन प्लेट्स को ही तो दूर लेके जाओगे, राइट? यस और नो? यस. अब प्लेट्स को दूर ले गई मैं तो प्रॉब्लम क्या है. टू इंक्रीज द साइज ऑफ मशीन वी हैव टू इंक्रीज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. ड्यू टू इंक्रीज इन सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाय में डी, पोटेंशियल बाय में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा. एक चीज डिनोमिनेटर में आप इंक्रीज कर रहे हो, एंड ये न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आप इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा ना. सो एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस तो फोर्स विल डिक्रीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है क्यू ई. फोर्स घट गया तो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो डिक्रीज. एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ बाई एम, राइट? एंड स्पीड विल डिक्रीज. ठीक है. तो प्रॉब्लम ये आ गया. चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हेल्पफुल है, फिर समझ में आया कि भाई ज्यादा देर तक रखना पड़ेगा तभी तक तो आपके पास स्पीड बढ़ेगा. ज्यादा देर रखने के लिए मशीन को बड़ा करना पड़ेगा, प्लेट्स को दूर करना पड़ेगा, प्लेट्स को दूर करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से फोर्स डिक्रीज हो जाता है, एक्सेलरेशन आपके पास डिक्रीज हो गया, स्पीड घट गया. हेंस वी कैन नॉट यूज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन. तो इतना समझ में आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर सकते हैं बट उसके अकेले से बात नहीं बन रही है. वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, वो अभी हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे कल भी दिखाई मैंने आपको, तो दैट विल हेल्प यू.
तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपको परपेंडिकुलर रखना है। तो ये सारी कहानी है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प पूरी तरह तो नहीं कर पाया। मैग्नेटिक फील्ड भी पिक्चर में आ रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड से समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन बदलता है और हमें स्पीड बढ़ानी है, लेकिन इनका कुछ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके जुगाड़ कर सकते हैं, इतना भी समझ में आ गया। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है, अब आगे चलते हैं। इस तरीके का आपका सेटअप होता है, मतलब आपको समझाने के लिए कि कैसे उसको देखना है। कल मैंने आपको दिखाया था ना उसको 2D में, तो आपको आई थिंक वो समझ में नहीं आया क्या कैसे है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, साउथ से नॉर्थ ऐसे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी ना, साउथ से निकलती है नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ, चलो यहां से अगर बात करो, नॉर्थ से आपके पास निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप बार मैग्नेट की बात करो, जैसे अगर मैं बार मैग्नेट बनाऊं, अंदर नॉर्थ है साउथ है, तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है, तो ये अलग से आपने रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज कर सकते हैं, भाई हम ही कंट्रोल करें, जब हमको यूज करना है मशीन को तब हम इसको ऑन कर देंगे, इसमें करंट दौड़ा देंगे, ये हमारे जैसे सोलेनोइड हमने करा था, सोलेनोइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट ना, सो वहां पर आपके पास आपके कंट्रोल में हो गया वो। अब आपने इसके अंदर डी शेप्ड कैविटी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्या, आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, मतलब समझने के लिए, पिज्जा का एक गोल डब्बा, पहले हम स्क्वायर या रेक्टेंगल लेते हैं, या आप गोल बना लो डब्बे को, डब्बे को बीच में से काट लो, तो आप अगर देखेंगे तो तीन पीस पिज्जा के इसके अंदर रखे हैं, तीन पीस पिज्जा के इसके अंदर रखे हैं, ऐसे ही है ना। तो ये जो आपके पास सेमी सर्कुलर कंटेनर बन गए, इनको हम बोलते हैं डीज, डी डबल ई डी, डी शेप कैविटी बन गई है आपके पास। आई बात समझ में सबको? ठीक है, तो अभी वो पिज्जा आप लड़ाई नहीं करना, ठीक है, जनरली क्या होती है, लड़ाई होती है ना, लास्ट पीस कौन खाएगा, एक जल्दी खाता होता है, जल्दी पकड़ लेता है उसको। तो यहां से आपके पास क्या है, अंदर कैविटीज क्रिएट होगी। अब इसको हम पढ़ते हैं, ये आपको सामने से मैंने दिखाया ताकि आप उसको समझ सको, जब मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसे है आपका, ये प्लेट जो ऐसे टेबल पे रखी है, ऊपर पोल नीचे पोल, किसी तरीके से आपने क्या कर रखा है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल क्रिएट कर दिया मान लीजिए, सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। ठीक है, और जो डीज है इनको आप कनेक्ट करते हो किससे, एक हाई वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाया एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, सपोज आपके डीज अगर ऐसे रखी है तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मान लीजिए नीचे नॉर्थ पोल है ऊपर साउथ पोल है। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास क्या रहे, नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है जो डीज में से निकल रहा है। ये जो है ये आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो सबसे पहले आपने क्या लिया था कल, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सेकेंड चीज आप लोगों ने क्या लिया, हाई एसी वोल्टेज सोर्स, हाई एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, थर्ड आपने लिए सेमी सर्कुलर कंटेनर, सेमी सर्कुलर होलो कंटेनर्स, और आपने क्या लिया बेटा, डीज लिए हैं, अच्छा डीज तो इन्हीं को बोलते हैं, सॉरी डीज तो यही है आपके कंटेनर्स, और इसमें क्या चाहिए, आपने मैग्नेट लिया है जिससे आप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आपने मैग्नेट्स लिए हैं, और आपने एसी वोल्टेज सोर्स लिया है, आपने सेमी सर्कुलर होलो कंटेनर लिया है, आपने सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल लिया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बोलिए। अभी देखो ये जो एसी आपने सोर्स लिया है ना, एसी सोर्स और डीसी सोर्स में मतलब समझ में आता है, मान लीजिए आपके पास डीसी करंट होता है, डीसी करंट होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो सीधा एक लाइन में चलता है, जो एसी करंट होता है वो आपके पास ऐसे चलता है इस तरह वेव्स फॉर्म में। ठीक है, एक बार वो प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस हो रहा, मान लो ये आपके पास क्या है वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, तो एक बार वोल्टेज प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। करंट की बात करूं तो करंट होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यूनिडायरेक्शनल करंट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट चल रहा होगा एक ही डायरेक्शन में। अगर आपके पास एसी करंट है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है, ऐसे चल रहा है करंट। ठीक है, सो ये आपके पास एक एसी सोर्स है। ये जरूरत हमें क्यों थी, क्योंकि हमको इन के बीच में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना था बार बार, ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए, यही हेल्प कर रहा है हमारे पास। क्या होता है, ये आपके पास मान लो इनिशियली ये जो है नेगेटिव पे है,
ये पॉजिटिव पे है, ठीक है। और वोल्टेज जो है आप लगभग लेते हैं 10,000 वोल्ट के आसपास, ठीक है। एंड एक हाई फ्रिक्वेंसी पे होता है ये, हाई फ्रिक्वेंसी पे। देखो एसी अगर आपके पास है, वेव फॉर्म में अगर है तो फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी साइकिल निकलती है। जैसे इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 लाख से 100 लाख हर्ट्ज तक। इसका मतलब क्या है कि एक साइकिल में देखो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, एक साइकिल, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर एवरी सिंगल डी 1 लाख बार प्लस 1 लाख बार माइनस हो रहा है। कितना फास्ट स्विचिंग हो रहा है, समझ सकते हो आप कितना फास्ट स्विचिंग है, ठीक है। स्विचिंग करना जरूरी था क्योंकि तभी आपके पास चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या रेंज है आपका, 1 लाख से 100 लाख, 100 लाख हर्ट्ज। मतलब इसी चीज को हम ना दूसरा नाम दे देते हैं, ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर का अगर आपको डेफिनेशन भी लिखना हो तो मैं ऑसिलेटर का बता देती हूँ आपको। जो ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर ये आपको जो फ्रिक्वेंसी सेट करनी है ना आपको, जैसे हमको कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई हमको फ्रिक्वेंसी मैच करनी है, तो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हो आप ऑसिलेटर से। वो क्या कर रहा है आपके पास बार 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 उसका जो पोलैरिटी है वो चेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज है इस कॉम्बिनेशन को आप ऑसिलेटर भी बोलते हो। अब ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट क्या होता है, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, वो इतना फास्ट है कि आपको ऑसिलेशन के जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम है ऑसिलेटर। तो यहाँ पर इनिशियली जो है D1 प्लेट पॉजिटिव पे है, D2 प्लेट नेगेटिव पे है। यहाँ से आपने एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लिया, शुरुआत की कहानी टू एंड फ्रो, यस, ठीक है। सो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल जब लिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स D2, यस और नो, स्टेप बाय स्टेप इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स D2 और नो, बताओ। ग्रीन इट यस इट विल बी अट्रैक्टेड। बेटा ये किधर जाएगा ऐसे, कौन सा कलर ले, कौन सा ले, ये ले लेते, ये इधर जाएगा। तो यहां जब ये अट्रैक्ट हो रहा है, इस पे इतनी दूरी में फोर्स लग रहा है, ठीक है, इतनी दूरी में फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है। अब यहाँ तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस से माइनस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपको क्या दिखा कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा टुवर्ड्स D2 और ये एक्सेलरेट हुआ। अब जैसे ही ये कंटेनर तक पहुंच गया, कंटेनर में जब ये एंटर कर रहा होगा उस समय पर, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीज मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, एंड अंदर कंटेनर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेटालिक कंटेनर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अब अंदर जिस स्पीड से वो एंटर कर गया उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अब वो अंदर कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। क्लियर है ये चीज सबको, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डीज, ठीक है। वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, एक जो भी स्पीड से वो एंटर कर गया अब उस स्पीड से वो मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसका डायरेक्शन बदलेगा। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इट इज एंटरिंग एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो एक सर्कल ट्रेस करता है। तो इसके ऊपर फोर्स लगने लग गया, इसने क्या किया, एक ऐसे सर्कल सा बनाया एक रेडियस का, और रेडियस का फॉर्मूला फॉर सर्कुलर पाथ क्या होता है, MB बाय में QB। एन वी क्या लेना होता है, वी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ से आपके पास अब यहाँ आएगा, जैसे ही ये आउट होने वाला होगा D2 से, फ्रीक्वेंसी हमने ऑसिलेटर की ऐसे सेट करी है कि जैसे ही वो आउट होने वाला हो पोलैरिटी स्विच हो जाए। अगर पोलैरिटी स्विच नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा, मान लो अभी आउट होने वाला है तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसको दोबारा से रिपेल कर देगा, इसको घुस जाएगा। तो पोलैरिटी को मैच करना है, जैसे ये बाहर आने वाला हो तब यहाँ नेगेटिव आ जाए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, D2 पे पॉजिटिव D1 पे नेगेटिव। नाउ अब मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर हो गया, इधर हो गया। अब इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, उसका स्पीड बढ़ेगा। मान लो पहले यहाँ जब वो एंटर किया उसका कुछ स्पीड आया, अब उससे ज्यादा हो जाएगा जब वो यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। अब अगर स्पीड बढ़ रहा है तो जब वो D1 में एंटर करेगा, पहली बात वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जिस भी स्पीड पे वो पहुंच गया D1 तक वो स्पीड के साथ वो D1 के अंदर चलेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब जो वो सर्कल ट्रेस करेगा, क्योंकि अभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली घुस रहा है, अब वो जो सर्कल बनाएगा वो बड़ा रेडियस का बनाएगा, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो अगर वी को आप बढ़ा रहे हो तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास जो सर्कल बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाया सपोज,
ठीक है, अगेन जैसे ही यहां पहुंचेगा क्या करना पड़ेगा, फील्ड को रिवर्स करना पड़ेगा ना, पोलैरिटी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करनी पड़ेगी। हमारे पास पोलैरिटी मान लो अब इस पे आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, अब इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डी टू, उसका स्पीड फिर बढ़ेगा एंड यहां से अब बड़ा रेडियस बनाएगा ऐसे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल डी के क्लोज नहीं पहुंच जाता। ऐसे करते करते सपोज ये लास्ट राउंड में बना देती हूँ, यहाँ पे ये हो गया आपके पास, मान लो लास्ट में इधर आ रहा था, यहां पहुंच चुका। अब यहाँ एक एग्जिट पॉइंट निकालेंगे, प्रॉपर तरीके से वो निकल जाए, यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर लगाते हैं हम लोग ताकि वो सही तरीके से बाहर निकल जाए। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, चार्ज पार्टिकल को सही रास्ता दिखाना होता है उसको। डिफ्लेक्टर का काम ये है कि भाई यहाँ से बाहर हो ले तू, इधर इस एग्जिट पॉइंट से उसको निकालना है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब जब ये निकलेगा तो जो लास्ट सर्कल बना रहा है, दिस सर्कल इज वेरी क्लोज टू सर्कमफ्रेंस ऑफ डी, जो इसका डी का सर्कमफ्रेंस है। तो आप बोल सकते हो जब ये बाहर निकल रहा है ना यहाँ से, तो जो इसका रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है, वो रेडियस आपका डी का रेडियस है व्हेन इट इज गोइंग आउट। आई बात समझ में? जब वो बाहर जा रहा है तो जो सर्कल वो ट्रेवल करके आ रहा है वो किस रेडियस का ट्रेवल कर रहा है, डी के रेडियस का। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी बाय में क्यू बी। वहां से आप वी निकाल सकते हो भाई, जब वो एग्जिट कर रहा है तब उसका स्पीड कितना है। तो ये है सारी कहानी कंस्ट्रक्शन की, कि कैसे सोर्स से एक चार्ज पार्टिकल आया, देन यू विल एक्सेलरेट इट टुवर्ड्स वन ऑफ द डी। जैसे डी टू पहले मान लो इनिशियली नेगेटिव पे था, अंदर जाएगा, अंदर जाने तक स्पीड बढ़ेगा, अंदर जाते ही स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्शन बदलेगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सर्कल ट्रेस करेगा। अब जैसे ही बाहर आने वाला होगा स्विच हो जाएगा फील्ड, पोलैरिटी बदल जाएगी, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डी वन। अब डी वन तक पहुंचते पहुंचते जो स्पीड बढ़ गया बढ़ गया, अब डी वन में उस स्पीड के साथ कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चलेगा, बट स्पीड बढ़ने से उसका रेडियस उसने बढ़ा लिया। अब बड़ा सर्कल ट्रैवल कर रहा है, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, घूमते 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 लास्ट डी के एज तक पहुंच गया। लास्ट जो वो सर्कल ट्रेस कर रहा है कौन से रेडियस का कर रहा है, जो डी का रेडियस, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, मशीन से बाहर कैसे जाएगा। ठीक है, सो ये है इसका यस कंस्ट्रक्शन। मैम, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, एनी प्रॉब्लम। आई बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं आपको, एवरी सिंगल पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में प्लस क्यू इज एमिटेड फ्रॉम सोर्स, कौन सा नेगेटिव लेना है, प्लस क्यू इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डी टू एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ प्लस क्यू विल इंक्रीज। एज सून एज प्लस क्यू एंटर्स डी टू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड डी टू एंड इट्स स्पीड विल बिकम कॉन्स्टेंट। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, देन इट विल ट्रेवल इन सर्कल ऑफ रेडियस एम वी बाय में क्यू बी। V is V perpendicular, but no change in its speed. Change in speed नहीं होता अंदर. As we can set frequency of oscillator such that when charged particle emerges from D2, polarity got reversed. हम oscillator की frequency set करते हैं, you know that, हमने कल भी पढ़ा था ये चीज. Its speed again increases and in between space of D's and when it enters D2, speed become constant, but it will travel along circular path in D2. मतलब ये सारा का सारा वो चीज मैंने आपको जो समझाई है वो मैंने सारा लिख दिया है इसके अंदर, आप लोग इसको पढ़ सकते हो. क्लियर है सबको? चलिए अभी देखिए, ये चीज भी मैंने आपको बताई है, जब चार्ज पार्टिकल वी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज करता है बिटवीन डी, ईच टाइम व्हेन इट एंटर्स इन एनी डी इट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर रेडियस देन प्रीवियस सर्कुलर पाथ। जब दूसरे डी में घुस रहा है तो ज्यादा रेडियस पे जा रहा है, फिर दूसरे में घुस रहा है फिर ज्यादा रेडियस पे जा रहा है, तो सर्कल बड़ा होता जा रहा है एंड यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स एज ऑफ द डी। अब हमको निकाला है वो स्पीड, जब वो बाहर निकलेगा तब, वो मैंने आपको बताया कैसे, फाइनल स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। सपोज रेडियस ऑफ डी जो है वो आर है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिट्स एट दैट टाइम रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी क्या है, वो भी डी वाला ही होगा। यही था ना आपके पास, मान लो ऐसे घूमते 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 स्पाइरल पाथ भी है, यहां से वो बाहर जा रहा है, तो ये जो लास्ट इसने सर्कुलर पाथ लिया है ये किस रेडियस का है, जो डी का रेडियस है। ठीक है, एंड ये मूव किस में कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में ही कर रहा है ना, तो इसका जो रेडियस का फॉर्मूला वो तो लगेगा ही, दैट इज इक्वल टू एमवी बाय में क्यू बी। तो ये जो स्पीड है, ये एग्जिट करते हुए स्पीड है, जब आप रेडियस डी का लेते हैं तो जब जो स्पीड वो अटेन कर चुका है फाइनली, जब वो बाहर निकल रहा है वो स्पीड है।
तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबी बार क्यूबी आर बाय एम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप रेडियस ऑफ डी ले रहे हैं तो ये फाइनल स्पीड है, तो वो एग्जिट कर, ठीक है। यहां से अब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह आप पुट कर सकते हो क्यू बी आर बाई में एम, यानी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो गया, यानी हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई में एम। तो ये आर कौन सा है, आर हेयर इज रेडियस ऑफ डी, यानी ये हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी है जो उसने अटेन कर ली, हाइएस्ट स्पीड पे हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सबको, आगे चले, समझ में आ गया ना, जब लास्ट रेडियस को स्टडी कर रहे हैं, लास्ट रेडियस, लास्ट जो पाथ है, जो सर्कुलर पाथ चार्ट ने लिया है, वो कौन से रेडियस का लिया, जो डी का रेडियस है, और उस समय वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो कौन सी स्पीड होगी जो उसने हाईएस्ट अटेन कर ली होगी। तो अगर आपको सवाल निकालना भी पड़ जाए ना वी वगैरह के लिए, तो जो फाइनल स्पीड जिससे वो एग्जिट करा, तो उस समय रेडियस कौन सा लेना है, डी का रेडियस लेना। क्लियर है ये चीज सबको, अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे आ जाओ, अब क्या करना है, एक ही काम रह गया, ये तो समझ में आ गया कितनी स्पीड से एग्जिट करेगा, ये समझ में आ गया कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गया, सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई, और ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी है, फ्रीक्वेंसी सेट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो वापस डी में एंटर कर जाएगा। एक्सेलरेट कब होगा, जब सही समय पर, जब वो डी से निकल रहा है तब पोलैरिटी सही हो, तभी अट्रैक्ट होगा दूसरे डी की तरफ और उसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब जो मान लो आपके पास ये चल रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है ये, तो आप क्या कह सकते हो कि एक चार्ज पार्टिकल जो ऐसे मूव किया, ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सा रेडियस इसका बड़ा हो जाता है, लेकिन यू कैन से कि यहां तक जब ये चला और ये ऐसे घूमा, आधा एक डी में घूमा आधा एक डी में घूमा, ये जो एक सर्कल बनाया, ऑलमोस्ट एक सर्कल है, तो इसका एक टाइम पीरियड भी होगा ना, टाइम पीरियड ऑफ प्लस क्यू इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर मोशन कितना है आपके पास, 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है। यस बेटा बोलिए, फजील हेनरीज केस कोई बात नहीं, तो टाइम पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड निकाल सकते हो ना, कैसे निकालते हो टाइम पीरियड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, उसी से निकाला, जो आपने वहां पर 2 पाई आर हमारा डिस्टेंस है इसका, ठीक है, और कैसे निकाला था टाइम पीरियड आपको, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, टाइम निकालना है, टाइम है डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस क्या क्या है आपके पास 2 पाई आर, और स्पीड आपके पास क्या है, मान लो वी से चल रहा है, तो आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये बनता है 2 पाई एम बाय में क्यू बी, ठीक है। तो टाइम पीरियड फॉर वन सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है बेटा, 2 पाई एम बाय में क्यू बी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड पता है, तो कल भी बताया था आपको फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अभी देखो, एक चक्कर में जो टाइम लगा मान लो 15 सेकेंड लगा, एक सेकेंड में कितना चक्कर हुआ वो निकालना, मान लो 15 सेकेंड में एक चक्कर हुआ तो एक सेकेंड में कितना चक्कर हुआ आपको वो निकालना है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वन सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होता है, कितना रिवोल्यूशन होता है, ये आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। सो यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा, क्यू बी बाय एम, राइट, ठीक है, क्यू बी बाय में 2 पाई एम। अभी देखो, टाइम पीरियड ऑफ प्लस क्यू चार्ज आ गया फॉर वन सर्कुलर मोशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे पास, कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कोई एक सेकेंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है। अभी देखो, जब हम एक चक्कर की बात कर रहे हैं, ये आपका पहला डी, ये आपका दूसरा डी, ये आपके पास नेगेटिव लिया था आपने स्टार्टिंग में, पॉजिटिव लिया था, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल चला था वो कैसे चला था, चैट बाद में कीजिएगा, एक बार थोड़ा सुन लीजिए, बस कंप्लीट होने ही वाला है। यहां से आपके पास कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। सो अभी मेरे को बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल चल रहा था, ये वाला डी नेगेटिव पे था ना, अब जैसे ये बाहर आने वाला होगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी एक डी का कितनी बार पोलैरिटी बदलता है एक चक्कर के अंदर, 2 बार पोलैरिटी बदल रहा है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। सो इन वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ ऑफ प्लस क्यू पोलैरिटी ऑफ डी स्विचेस ट्वाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यही बस इसी का सार सारा यही है। अभी देखो, जो आपने एसी सोर्स लगा दिया था, इसमें क्या आ रही है, ऐसे साइकिल्स आ रही है इस तरीके से, जो आपके पास साइकिल आ रही है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो ये वाला ले लो,
ये पोटेंशियल और टाइम के साथ मैंने एक साइकिल बताई आपकी, इस तरीके से साइकिल आ रही है। सो एक साइकिल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इन वन साइकिल ये एक साइकिल बनती है, ऐसे ऐसे चलती रहेंगी ये साइकिल। तो एक प्लस और एक माइनस बनता है एक साइकिल में। तो एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वही तो एक चक्र का टाइम पीरियड होना चाहिए ना, अगर मैच आपको करना है भाई। एक डी को दो बार पोलैरिटी बदलना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और एक साइकिल में, एक साइकिल ऑफ एसी सोर्स में एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, यानी जो इसका टाइम पीरियड है वो इसका टाइम पीरियड के साथ मैच होने चाहिए ना। सो दिस वन साइकिल ऑफ ऑसिलेटर दैट इज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, टाइम टेकन इन दिस वन साइकिल इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड ऑफ प्लस क्यू चार्ज आपने निकाला 2πm/qb। तो यहाँ पर भी दो बार पोलैरिटी बदल रही है, यहाँ पर भी दो बार पोलैरिटी बदल रही है, इनका टाइम मैच करना चाहिए। टाइम मैच कर गया तो फ्रीक्वेंसी भी मैच ही कर गई। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो क्या कि जो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज के मोशन के, चार्ज जो मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में वो जो फ्रीक्वेंसी है वही होती है। बट वो होती क्यों है ये उसका कारण है कि कितनी बार स्विच हो रहा है और हमें कितनी बार उस साइकिल को देखना पड़ेगा। मतलब ये चीज है कि ये दो बार अगर प्लस माइनस हो रहा है तो इसकी साइकिल में भी ये दो बार प्लस, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस यहाँ हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस यहाँ हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है इसमें वो ये आ सकता है कि मैम आपने सर्कल छोटे वाला लिया है, आप सर्कल बड़े वाला ले लो उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा क्या, बताओ जरा। आपको पता है मैम रेडियस भी तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये टाइम और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को भी देख सकते हो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी या रेडियस। ठीक है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो सही जो समय आप सेट कर दोगे वो हर एक सर्कुलर पाथ के लिए सेट है, सही सेम समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम इजी हो गई, अब सेट हो गया। अब टाइम पीरियड मैच होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ प्लस क्यू ऑफ वन चक्कर शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी सोर्स बोल लो या ऑसिलेटर बोल लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस क्यू फॉर सर्कल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी या फिर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में किसी भी नाम से आ सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। अभी बराबर होना चाहिए किसके, जो आपके वन राउंड में यहाँ पर आ रहा था फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय में 2πm, यानी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, क्यू बी बाय में 2πm। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। क्लियर है ये चीज सबको, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कैसे हम लोगों को सेट करना है। ठीक है, एक साइकिल ऑफ ऑसिलेटर में जो टाइम लग रहा है वही प्लस क्यू चार्ज के एक सर्कुलर सर्कुलर मोशन में टाइम लग रहा है, यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। अगर टाइम सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक है, अब सही समय पर पोलैरिटी बदलेगी, सही समय पर वो एक्सेलरेट होगा और आपके पास जितनी स्पीड का आपको चार्ज पार्टिकल चाहिए वो मिल जाएगी। अब बात आती है कुछ लिमिटेशंस की, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला लिमिटेशन क्या था, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे ही तो लगेगा ना। ठीक है, तो इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। वी कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल्स अप टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तक भी हम नहीं लेके जा सकते, हमारे मशीन का लिमिटेशन है। स्पीड ऑफ लाइट बहुत आई है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, वहां तक नहीं लेके जा सकते। और जो सबसे इंटरेस्टिंग लिमिटेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो क्या है, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। प्रोटोन या आयंस के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। अभी एक भारी चीज पे एक फोर्स लगा रहे हो और वही फोर्स आप एक हल्की चीज पे लगा रहे हो, तो किसका स्पीड जल्दी बढ़ जाएगा, हल्की चीज का स्पीड बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितने रिवोल्यूशन आपके साइक्लोट्रॉन में हो रहे हैं उतने आप हल्की चीज पे कराओगे तो उसका स्पीड बहुत हाई हो जाएगा, इट विल बी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। एंड आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें उन्होंने बताया कि जो मास है वो स्पीड से संबंधित है। अगर आपका स्पीड ऑफ लाइट के पास आप जा रहे हो तो आपका मास बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से वो फॉर्मूला जो उन्होंने दिया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस फॉर्मूला है, दैट इज m इक्वल्स टू m नॉट बाय में अंडर रूट 1 माइनस में v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब डेली लाइफ में क्या होता है, देखो डेली लाइफ में हम इसको क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि v जीरो होता है इन कंपेरिजन टू c, v जीरो है, इसलिए क्या हो जाता है जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को आप साइक्लोट्रॉन में लेके जा रहे हो 10⁶ या 10⁷ जा रहा है, ठीक है, इतना हाई स्पीड पे जा रहा है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये कम होगा
मतलब ये जो चीज है ये क्या होगा, आपके पास 1 में से आप माइनस करोगे, मान लो पहले आपके पास 0.2 था, अब 0.5 माइनस कर रहे हो, तो ये डिनोमिनेटर में पूरा टर्म घट रहा है ना, ये घट रहा है, तो आपके पास मूविंग मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मास बढ़ने से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखो फ्रिक्वेंसी जो आपने सेट करी थी साइक्लोट्रॉन की या ऑसिलेटर की थी वो QB बाय में 2 पाई n, मास बढ़ने से क्या हो रहा है, आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और रेडियस पे तो असर नहीं करता, वो आपके पास चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ से मास बदलना शुरू कर दिया, मान लो एक चक्कर लगाया, अब वो टाइम पीरियड है उसको कुछ लगा, दूसरे चक्कर में अब उसका मास वगैरह चेंज हो गया, तो टाइम पीरियड चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, अब जो आपके पास चार्ज का फ्रीक्वेंसी है वो आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा फ्रॉम ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, वो सही समय पर पोलैरिटी नहीं बदलेगा, आई बात समझ में, तो क्या होगा, वापस से डी के अंदर घुसने शुरू हो जाएंगे, रिपल्शन आ जाएगा वहां दूसरे डी से, सो डिस्टरबेंस हो गया। सो इसलिए हम लोग हल्के पार्टिकल्स या पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है स्पीड अटेन कर लेते हैं, बहुत हाई स्पीड अटेन कर लेते हैं, और उनका स्पीड कंपेरेबल टू लाइट होता है, जिसकी वजह से उनका मास बदलता है, मास बदलता है तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है। अब बार बार हर एक रिवोल्यूशन के लिए आप ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं कर सकते, फ्रिक्वेंसी कितनी हाई थी, 1 लाख से 100 लाख हर्ट्ज, तो बार बार सेटिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम लोग कौन से पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो प्रोटोन करते हैं या आयंस करते हैं, क्लियर है ये चीज सबको। सो ये था सारा थियोरेटिकल पार्ट जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया, ये मैंने कंप्लीट आप लोगों को एक नोट के रूप में यहाँ पर, यही मिलेंगे आज आपको आफ्टर क्लास, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन वाला मैं ऐड कर दूंगी, कंस्ट्रक्शन वाला मैंने आज राइट डाउन किया था। सो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है प्रोटोन इज एक्सेलरेटिंग इन साइक्लोट्रॉन, एक प्रोटोन एक्सेलरेट कर रहे हैं लोग, वेयर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, इफ द पोटेंशियल गैप इज इफेक्टिवली 100 किलो वोल्ट, देन हाउ मच रिवोल्यूशन द प्रोटोन हैज टू मेक बिटवीन द डीज टू एक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू हैव 3 मिनट्स, ट्राई इट, 3 मिनट में आपको दे रही हूँ, कोशिश कीजिए, जो 2 क्वेश्चन मैं लेके आया ना इनसे इनसे ज्यादा मुश्किल आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, अगर आता है तो। क्वेश्चन 4-5 है बट 2 ही हैं जो जिसमें जोर लगेगा थोड़ा सा, कोशिश करो एक बार। अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटिंग इन अ साइक्लोट्रॉन बट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, इफ द पोटेंशियल गैप इज इफेक्टिवली 100 किलो वोल्ट, यानी उन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है वो कितना है साइक्लोट्रॉन के डीज के बीच में 100 किलो वोल्ट, तो कितना रिवोल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, 100, 150, 200, 300। कोशिश कीजिए, वैशाली, प्रेरणा, राहुल, ऋतु, सोमेश, देखो कल पढ़ाया तो आज बहुत एक्टिव है ना, इतना कुछ समझ में आ रहा है, पहली बारी में नहीं आता समझ में, तो ये आपका एक लेसन भी है, पहली बारी में चीजें मुश्किल लगती है, दूसरी बारी में आसान लगती है, तीसरी बारी में तो बिल्कुल हलवा लगती है। सृष्टि आज ओवर है, आज इसका फेयरवेल कर रहे हैं हम, चैप्टर का इज्जत के साथ इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था कैपेसिटर के टाइम, आई थिंक पढ़ा था कि एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मान लो आपने, मैं आपको हिंट दे रही हूँ एंड आई गेस इतना ही बहुत है, इसी से आ जाएगा आपका आंसर, मान लीजिए हिंट है आपके पास, इफ यू आर एक्सेलरेटिंग अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा चार्ज पार्टिकल का, दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू में वी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मल्टीप्लाई बाय में चार्ज, इतना काइनेटिक एनर्जी वो अटेन कर दे, ठीक है, इतना वर्क डन होता है उस चार्ज के ऊपर, सो वर्क डन सिस्टम के ऊपर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, तो यही इसका हिंट है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसका, क्यू इंटू में वी होगा। अभी एक चक्कर में मान लो एक राउंड जब लगता है, एक रिवोल्यूशन जब होता है उसमें उसका स्पीड 2 बार बढ़ता है,
मान लो पहला जो ये वाला जो डी है, पहला ये डी वन है, ये डी टू है, पहली बार जब ये इस तरफ जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी इनटू में जो चार्ज आप लेके जा रहे हो, दूसरी बार फिर बढ़ेगा जब यहां से आप वापस आएगा, तो एक रिवोल्यूशन के अंदर उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी बार बढ़ रहा है, दो बार बढ़ रहा है, क्यू वी प्लस में क्यू वी। ठीक है ये चीज सबको, यानी टू क्यू वी, ये बात सबको क्लियर है। अभी देखो प्रोटोन इज एक्सलरेटिंग इन साइक्लोट्रॉन वेयर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इफ द पोटेंशियल गैप इज इफेक्टिवली 100 किलो वोल्ट, तो पोटेंशियल गैप 100 किलो वोल्ट है, यानी आप लिख सकते हो 100 × 10³ वोल्ट, यानी 10⁵ वोल्ट है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज क्या है आपके पास, प्रोटोन, प्रोटोन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है। सो काइनेटिक एनर्जी एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, 2 क्यू वी, यानी कि 2 × में चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10⁵, इतना बढ़ जाएगा। और कितना करना है, 20 MeV, तो कितना रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी कितनी है 20 MeV, और एक रिवोल्यूशन में कितनी एनर्जी बढ़ रही है, जो यहां मैंने निकाली है 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ × 10⁵। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बेटा, जो टोटल एनर्जी है डिवाइडेड बाय में एक रिवोल्यूशन में जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। सो 20 MeV को कैसे हम लिख सकते हैं, 20 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय में ये जो हमने यहां निकाला है 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ × 10⁵। इफ यू विल सॉल्व इट, ये तो सीधा ही कट रहा है, ये टू यस मैम, टू टेन जा टेन फाइव जा, ये हंड्रेड बचेगा 100 रिवोल्यूशन। आ गया। कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10⁶ किलो, मतलब 10³। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1/1.6 × 10⁻¹⁹। क्लियर है ये चीज। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपली क्या होता है, ईवी का मतलब होता है ई इंटू में वी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय में चार्ज। क्लियर है सबको, मैम यहाँ पे हमने इस चीज को डिवाइड क्यों किया वैसे? मैम क्या चीज ड्राइव की बेटा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ ट्वेंटी रिवोल्यूशन निकालने के लिए, ये तो मुझे पता था टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, पर एक रिवोल्यूशन में कितनी एनर्जी बढ़ रही है ये तो नहीं पता ना, तो एक रिवोल्यूशन में जो एनर्जी बढ़ रही है, अगर आप उसको टोटल एनर्जी जो बढ़ी है उसको अगर आप एक रिवोल्यूशन में बढ़ने वाली एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे ना। फॉर्मूला मान लो आपके पास 20 टॉफीज आ गई है, और एक बारी में आपको 2 टॉफी मिलती है, तो कितनी बारी में आपको टॉफी दी गई है, 20/2, 10 बारी में, तो आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है 20 MeV, और एक चक्कर में कितनी बढ़ती है वो कितनी है 2 × में क्यू वी, एक एक हाफ राउंड में क्यू वी बढ़ती है, फुल राउंड में 2 × में क्यू वी बढ़ती है, तो एक चक्कर में जो बढ़ी और जो टोटल बढ़ी है अगर इनको आप डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे ना, जो उसने चक्कर काटे हैं। आई बात समझ में अरिबा, क्लियर यस मैम, है? मैम चलो फिर अगला क्वेश्चन करो, ये इजी है। द ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सलरेटिंग प्रोटॉन्स इन अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 MHz इज, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, और आपको ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अभी पढ़ी थी हमने ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 12 MHz, उसको इस्तेमाल कीजिए, चार्ज आपको दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है 1 MeV का, मतलब क्या है 1.6 × 10⁻¹³ जूल। इट्स ओके रिमझिम, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है, वहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जरा निकालो क्या आएगा, यस ये वाले क्वेश्चन कर लो, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं साइक्लोट्रॉन में,
आता है तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने को आ सकते हैं। कीजिए सभी बच्चे। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या था। 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी का क्या था? क्यूबी बाय टू पाई। और जो फ्रीक्वेंसी चार्ट वाली थी वही फ्रीक्वेंसी तो आपके ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी थी। सो क्यू क्या था आपके पास? क्यूबी बाय में 2πm। राइट निकालना क्या है बेटा? बी निकालना ना। बी क्या हो जाएगा आपके पास? 2πm एफ बाय में क्यू। राइट अब सारी चीजें पता है आपको, टू पता है, पाई पता है, मास भी गिवन है प्रोटोन का, फ्रीक्वेंसी भी है 12 MHz, मतलब 12 × 10^2 कितना 6, ठीक है। और चार्ज आपको दे रखा है 1.6 × 10^-19 कूलम। यू विल कैलकुलेट इट, मैं आपको बता देती हूँ उसका आंसर क्या है। आंसर आपके पास आएगा इसका 0.79 टेस्ला। मेरा मतलब था कराने का कि आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। F=qb/2πm, b निकालना है या कोई भी आपको वेरिएबल एक निकालना पड़े, फॉर्मूला पता होना चाहिए ना बस। क्लियर है सबको? क्या आदर्श 6 आया आपका आंसर? 6 नहीं आएगा बेटा, 0.79 टेस्ला आएगा। देख लो 2 × π यानी 3.14 × मास कितना है 1.6 × 10^-19, फ्रीक्वेंसी है 12 × 10^6 डिवाइडेड बाय वे चार्ज दैट इज 1.6 × 10^-19। ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है। इफ यू विल सॉल्व दिस थिंग तो 0.79। यस मैम आ गया 0.78। मास आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? मास में 27 आएगा, -19 नहीं 27, पूरा नहीं कटेगा, पूरा कट के तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इसके 0.79 टेस्ला। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया ना आपको 0.79 टेस्ला। अब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलेटर कितना होगा? रेडियस ऑफ डी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये भी आपको आता है। जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो कि जो उसने प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब फाइनल राउंड वाली बात कर रहे हैं। सो आपको रेडियस पता है, एमवी बाय में क्यूबी होता है, यहां से आप वी निकालते हो, वी कितना आता है आपके पास? आर क्यूबी बाय में एम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय में एम स्क्वायर। तो एम से एम कटता है, सो मेरा फाइनल फॉर्मूला जो बनता है बस इसमें मेरे को वैल्यूज पुट कर लिए, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय में 2m। एम पुट कर सकते हैं हम लोग। प्रोटोन का मास कितना होता है? 1.6 × 10^-27 kg, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना 0.79 टेस्ला, जो हमने पीछे निकाला भी। क्यू आपको क्या लेना? 1.6 × 10^-19। और आर आपको दे रखा है 60 cm, इसको आप किसमें कन्वर्ट करोगे? मीटर में, 0.6 मीटर। क्लियर है सबको? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आप चेक करेंगे, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था, ये आंसर आएगा पर 10.6। ये लीजिए, यस मेगाहर्ट्ज 10^6। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है क्या आपके? यस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा ये आंसर। तो आपके पास 10.6 MeV आएगा। पहले जो आपके पास आंसर आएगा ना यहाँ से, वो आएगा आप जो भी आंसर आएगा आपका इधर से, जो भी आप निकालोगे वो आएगा आपके पास जूल में। तो जूल से आप क्या करोगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1.6 × 10^-19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10^-19 जूल है। एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास जूल में, क्योंकि सारी ऐसा यूनिट्स है। सो जूल में आएगा, देन यू विल कन्वर्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन यू विल कन्वर्ट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय में 10^6 से। क्लियर है सबको? ऑपरेटिंग मतलब कितना ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब है कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां ऑपरेट कर रहा है, मतलब कितना लगाया जा रहा है। जब आपके पास 12 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, चार्ज है, मास है, ये है, तो बी कितना होना चाहिए वो बात, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एन अल्फा पार्टिकल कंप्लीट 40,000 रिवोल्यूशन इन अ साइक्लोट्रॉन बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम, 40,000 रिवोल्यूशन करके आ रहा है वो,
फिर बाहर निकल रहा है. इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी इज 5000 वोल्ट, देन द एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल इज, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व इट, आंसर बताओ और जाओ. साइक्लोट्रॉन एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इस क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पर एंड करूंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर. बताते जाओ आंसर और जाते जाओ. एक रिवोल्यूशन में कितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करता है, 2 QV. ठीक है, कितने रिवोल्यूशन है, 40,000, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 5000 वोल्ट. तो एनर्जी गेन निकाल सकते हो आराम से, आंसर बताओ और जाओ. और मैम यहाँ पे दो प्रोटॉन होंगे तो 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. यस, अल्फा पार्टिकल में आपको पता होना चाहिए +2 चार्ज होता है. ठीक है, +2 किसका, इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹. दो इलेक्ट्रॉन निकले है ना, तो वहां पर +2 चार्ज आया है, तो कितना चार्ज है, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹. आंसर बताओगे मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर जाओगे. यूनिट में बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं. अभी मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह बहुत यूज होंगे. तो अभी उसको क्लियर कर लो कि किस में कितना क्या होता है. मैम किस यूनिट में बताना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो चलो पहले ये बताओ मुझे, इन वन रिवोल्यूशन कितना एनर्जी गेन करेगा, कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, 2 QV. पोटेंशियल डिफरेंस में जब आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, QV. अब एक रिवोल्यूशन में वो दो बार डीज के बीच में आता है, तो दो बार एक्सेलरेट होता है वो, तो कितनी बार हो गया, 2 QV. मतलब टोटल कितना बन गया, 2 QV. वन रिवोल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी गेन इज 2 QV. तो 40,000 रिवोल्यूशन में कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कितना होगा, 40,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये आपके पास कितना आएगा, 40,000 × 2 × चार्ज क्या आएगा, अब अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 E ऐसे लिखते हैं. सो ये आएगा आपके पास 2 × चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹. एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डीज कितना दिया है, 5000. क्लियर है ये चीज सबको. अब यहां से आपका कितना आंसर आ रहा है, देखो 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 4 और 3 ये 7 हो गया. इसमें से आप माइनस करो कितना आएगा, 4 × 8 = 16 × 1.6 × 5 × 10 की पावर्स इकट्ठा कर लो, कितना हो गया, 9 में से 7 गया 12. Yes, ma'am. 19 में 7 गया, मतलब 12, माइनस में 12 आ गया. ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 16 का बताओ कितना होता है, 256 मल्टीप्लाई 128. ये पॉइंट भी है ना, तो 1280 आएगा, दैट इज 128 × 10⁻¹² ये आएगा आपके पास जूल में. देन यू विल कन्वर्ट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. तो 1 जूल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/1.6 × 10⁻¹⁹. इतने जूल में कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ 128 × 10⁻¹² डिवाइडेड बाय में 1.6 × 10⁻¹⁹, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया. अब आपको चाहिए किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू में यहाँ पर 10⁶ जब कर देंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा. अब देखो कितना आ रहा है आंसर, ये आएगा 16, ये आएगा आपके पास 0.8,
नहीं सॉरी, पॉइंट वन बाय में ऊपर आएगा 8, तो ये 0 ही ले जाते हैं हम लोग ऊपर, कितना बन रहा है पहले तो ये सॉल्व कर लो। चलो तो ये सॉल्व करो, -12 -19 ये 6, 9 में से 6 गए, -13, -13 जाके ऊपर +13, ऊपर क्या बचेगा 1, 10 बचेगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ रहा है, 800 1/8 by 16, और एक और आ गया ऊपर, इस पॉइंट को मैंने हटा लिया, अब 16 1 जा 16 8 जा, तो 800 मेगा इलेक्ट्रॉन मोल। क्लियर है ये चीज सबको, कर लोगे अभी, जी मैम। ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। अब इसके डाउट्स वगैरह जो भी आपके आते जाएं आप लोग सॉल्व करें, आपस में डिस्कस करें, टेस्ट से पहले इसको परफेक्ट कर लो। स्कोरिंग बहुत है ये, मतलब इसमें ऐसे कुछ मुश्किल तो मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक आया था, डायपोल वगैरह से रिलेटेड शायद थोड़ा बहुत आपको लगा हो, और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि बहुत ही टिपिकल हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे है ना सारे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मैम बस यही लेसन आएगा। वो फाइनल करेंगे अभी क्या आएगा, बट मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। अगर मैं